हेलो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिवर ट्रेनिंग क्या होती है। इस पे आईईएस में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। रिवर ट्रेनिंग मीन्स द वेरियस मेजर एडॉप्टेड ऑन अ रिवर टू स्टेबलाइज द रिवर चैनल अलोंग द सर्टेन अलाइनमेंट विद अ सर्टेन क्रॉस सेक्शन। तो ये रिवर बह रही है, तो इस रिवर पे हम लोग कुछ ऐसे उपाय करते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है और इसका जो अलाइनमेंट है वो स्टेबल बना रहे। यानी बाढ़ आ गई तो इसका जो पानी है कुछ इस तरीके से बाहर फैल जाएगा, इस साइड चला जाएगा बैंक के, तो ये बाहर ना जाए। इसलिए हम लोग कुछ ऐसे बैंक्स पे कुछ ऐसे मेजर करते हैं, किनारों पे कुछ ऐसी चीजें लगा देते हैं जिससे कि इसका जो पानी है यहाँ वहां ना जाए और एक सर्टेन अलाइनमेंट बना रहे और एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन बना रहे। तो जो रिवर की ज्योमेट्री है वो हमेशा चेंज होती रहती है, या तो किनारों से इरोजन होता रहेगा या सेडिमेंट का डिपोजिशन होता रहेगा, तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो चेंज होती रहती है। तो इस ज्योमेट्री को चेंज होने से रोकने के लिए हम लोग रिवर ट्रेनिंग करते हैं। दीज मेजर आर एडॉप्टेड बिकॉज रिवर इन द एल्यूवियल प्लेन्स फ्रिक्वेंटली चेंजेस देयर ज्योमेट्री एंड कॉज डैमेज टू लैंड एंड प्रॉपर्टी एडजेसेंट टू देयर बैंक। तो रिवर के किनारे जो लैंड है या कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी मकान वकान बने हैं, तो उनको नुकसान होने से बचाने के लिए हम लोगों को रिवर की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो रिवर ट्रेनिंग के काफी मेथड्स होते हैं, जिनमें हो गया पिच्ड आइसलैंड बैंक प्रोटेक्शन वर्क, गाइडेड बैंक, ग्रोइंस। तो ये सब मेथड्स हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, फॉलोइंग आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क बेस्ड ऑन पर्पस। तो उद्देश्य के हिसाब से कौन कौन सी हम लोग रिवर ट्रेनिंग करते हैं। हाई वाटर ट्रेनिंग, इट इज डन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ फ्लड एंड आल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज। तो हाई वाटर ट्रेनिंग की जाती है ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज के लिए। इसमें क्या होता है, जब रिवर में बाढ़ आ जाती है तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको एफिशिएंटली डिस्पोजल करने के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है रिवर की, उसको हम लोग बोलते हैं हाई वाटर ट्रेनिंग या ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज। दूसरा हो गया है लो वाटर ट्रेनिंग, इट इज डन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशियंट डेप्थ फॉर नेविगेशन ड्यूरिंग लो वेदर सीजन एंड ऑल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। अब क्या है, गर्मियों में जब रिवर में पानी की कमी हो जाती है, अगर इसमें हम लोगों को इनलैंड नेविगेशन करना है, मतलब इसमें हम लोगों को नाव चलानी है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो अब इसमें पानी कम है, तो इसमें पानी की मात्रा एक सफिशियंट डेप्थ बनाए रखने के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है रिवर की, उसको बोलते हैं लो वाटर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। तीसरा हो गया है मीन वाटर ट्रेनिंग, इट इज डन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ बेड एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड एंड देयरफॉर टू हैव अ गुड एंड प्रॉपर शेप फॉर द रिवर चैनल एंड इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट। तो जो रिवर बह रही है उसमें काफी मात्रा में सेडिमेंट होता है, और वो सेडिमेंट या तो सस्पेंडेड अवस्था में होता है या बेड पे डिपोजिट हो जाता है। अगर उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी तो वो बेड पे डिपोजिट हो जाएगा। तो सेडिमेंट के एफिशिएंट डिस्पोजल के लिए जो ट्रेनिंग की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मीन वाटर ट्रेनिंग। मतलब ये जो सेडिमेंट डिपोजिट हो गया है या इस रिवर के पानी में, उसको आसानी से बाहर निकाल दिया जाए, तो ये कहलाती है ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट या मीन वाटर ट्रेनिंग। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे रिवर ट्रेनिंग पे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।